सामईन कराम, आप सुन रहे हैं अल्लाह के रसूल की ज़िंदगी को और सहाबा की कोशिशों को। चुनांचे आपने देखा कि किस तरह से मक्के के मुसलमानों ने हिजरत की अल्लाह के रसूल के हुक्म पर। अल्लाह के रसूल ने ऐलान फरमाया कि जो शख्स भी अल्लाह और यौम आखरत पर ईमान रखता हो वो सब के सब मदीने में जमा हो जाए। लिहाजा जो मुसलमान भी मक्का से हिजरत करके पहले हबशा गए थे वो भी लौट के आ गए मदीना। मक्के के सारे मुसलमान आहिस्ते आहिस्ते सब मदीना पहुंच गए। हिजरत का सबसे बड़ा मकसद क्या था? जाहिर सी बात है, हिजरत का मकसद माल कमाना नहीं था। मुहाजरीन को अनसार ने माल की पेशकश कर दी थी, अपनी जायदाद दे दी थी कि बांट लीजिए आधा आधा, लेकिन आपने कह दिया बारक अल्लाह फी अहली को मालिक, अल्लाह बरकत दे आपके माल व अहल में, अपने पास रखिए, हमें दो वक्त की सिर्फ रोजी चाहिए। फिर अनसार ने यह पेशकश की कि आप हमारी मदद कर दीजिए खेती बाड़ी में, हम आपको फलों में शरीक कर लेंगे। सहाबा राजी हो गए। कुछ सहाबा तो ऐसे थे जिन्होंने ये भी नहीं लिया और कह दिया मुझे बाजार का रास्ता बता दीजिए और वो बिजनेस करने के लिए चले गए। तो हिजरत का मकसद माल जमा करना नहीं था, बल्कि माल तो लुटा के वो आए थे। उनके जमीन जायदाद मकान पर तो मुशरिकी ने मक्का ने कब्जा कर लिया। जो लोग आए थे वो मामूली किस्म के लोग भी नहीं थे, उनमें मालदार लोग भी थे। वो सब के सब अपना माल लुटा के आए थे, माल कमाने नहीं आए थे। हिजरत क्यों हुई? अल्लाह के रसूल ने हिजरत करने के लिए क्यों कहा? क्यों सारे मुसलमान को मदीने में जमा किया? हिजरत का सबसे बड़ा मकसद इस्लामी मुआशरे को कायम करना था, इस्लामी समाज को कायम करना था, एक समाज को मुसलमान बनाना था। हम आज सब मुसलमान हैं, हमारा समाज मुसलमान नहीं है। हम कल्चरल मुस्लिम आज तक नहीं बन सके। अकीदतन मुसलमान हैं, तौहीद है आपके सीनों में, मानते हैं आप, नमाज के भी पाबंद हैं, कोशिश करते हैं, एहतमाम करते हैं जमात की, लेकिन कल्चरल मुस्लिम आप नहीं बन सके। आपका समाज मुसलमान नहीं हो सका। चुनांचे आप देखते होंगे एक शादी होती है तो हल्दी का रस्म भी जरूरी है और मेहंदी का रस्म भी जरूरी है, और जितने भी खुराफात होते हैं, कपड़े देना लेना, जहेज ये और वो। अभी पिछले हफ्ते मैंने एक निकाह पढ़ाया, वहां झगड़ा हो गया खोरमा के लिए, खजूर के लिए जो निकाह में रखा जाता, कम है तो ज्यादा है, लोग मांग कर रहे हैं। बारात वाले कह रहे हैं भैया हम लेके आ गए 5 केजी, वो कह रहे नहीं साहब कम है। मैंने कहा भाई झगड़ा किस बात पे हो रहा है, ये क्या हैसियत है इस खोरमे की यहां पे? कुछ लोगों ने कहा सुन्नत है। मैंने कहा ऐसी कोई हदीस नहीं है जिसमें यह आया हो कि निकाह हो के बाद खोरमा बांटा जाता था या मिठाई बांटी जाती थी। हम इस सीतामढ़ी में देखते हैं खाने के बाद मीठा कुछ आइटम आता है, तो अब आपसे पूछा कि भाई क्यों ये जरूरी है, तो मालूम हुआ कि ये भी सुन्नत है। अल्लाह के रसूल को कभी शिकम सैर होके खाना नसीब नहीं हुआ, कभी आप भरपेट खाना नहीं खा सके, मैसर भी नहीं आया, और आप मिठाई खाते खाने के बाद मिठाई का एहतमाम करते अल्लाह के रसूल, ये सुन्नत कहां से हो गई? लोगों ने अपने चक्कर में कई ऐसी चीजों को जो आपको महबूब थी अपने सुन्नत कर दिया। यहां तक कि मैंने सुना कुछ लोग जहेज लेने को भी सुन्नत कहते हैं और देने को भी सुन्नत कहने लगे इसी इलाके में, और सिर्फ इसलिए कि माल में बेटी को हिस्सा न देना पड़े, जायदाद में बेटी को हिस्सा न देना पड़े। एक अजीम फर्ज जिसके बगैर कोई आदमी जन्नत में नहीं जा सकेगा। कल कयामत के दिन सबसे हिसाब होगा कि हमने और आपने अपनी बेटी को जायदाद में हिस्सेदार बनाया कि नहीं बनाया, और उसको हड़पने के लिए आपने एक मोटरसाइकिल थमा दी दूल्हे को, कुछ पैसे थमा दिए, कोई कार थमा दे रहा है, कोई कपड़े थमा दे रहा है, कोई बारात को खिला करके खुश है, वो समझता है कि हम बरी जिम्मा हो गए। ये हमारा जो समाज है, क्या ये इस्लामी समाज है? हम मुसलमान हैं सामाजिक एतबार से नहीं। सारे रसूम जो हमारे, रस्म रिवाज जो हमारे,
शादी ब्याह से लेकर मौत तक भी देख लीजिए, मौत में के बाद भी कितने रसूम हो जाते हैं, जो सब गैर मुस्लिमों के हैं जो हमारे बीच आ गए। हम कल्चरल मुस्लिम आज तक ना हो सके। दुनिया में सिर्फ एक देश ऐसा है जहाँ कल्चरल मुस्लिम है, जहाँ कल्चर इस्लामी है, निकाह वहाँ भी होता है, कहाँ खुरमा तकसीम होता है। अभी कल एक बड़े मौजज़ हस्ती हमसे फ़ोन पर मसला पूछ रहे थे कि निकाह से पहले अगर वलीमा कर दिया जाए तो, निकाह के साथ ही साथ कर दिया जाए तो। मुझे हैरत हुई, मतलब माशाल्लाह वो लोग ऐसे भी नहीं, तहज्जुद गुजार लोग हैं, मैं जानता हूँ उनको, कोशिश करते हैं दीन का कोई कानून न छूटे, हर सुन्नत पे अमल करते हैं। मैंने टेलीफोन में समझाया कि भाई साहब बहुत दूर से इंडिया से पूछ रहे थे, मैंने कहा कि देखिए वलीमा जो है ना, दरअसल उस खुशी का जो दूल्हे को मिली है, यह उस खुशी का शुक्राना होता है। और जब तक दूल्हे को दुल्हन की खुशी ना मिल जाए तो ये शुक्राना ना वक्त है। सुंदर तरीका यह है कि निकाह के बाद, शौहर बीवी से मिलने के बाद वलीमा कर। और वैसे तो लोग करते हैं, हमारे यहाँ खुद निकाह से पहले मुसलमान लोग करते हैं, नेमत मिलने से पहले ही शुक्राना अदा कर लेते हैं, एडवांस में ही करते हैं। कहने का मतलब यह है कि मेरा जो समाज है ना यहाँ का, हम सारे मुसलमान जरूर हैं, कल्चरल मुस्लिम नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हिजरत करने के लिए इसलिए कहा कि मदीने के सारे मुसलमान तो एकजा थे ही, बाहर के सारे मुसलमान इकट्ठे हो जाए ताकि एक समाज बने, और वो समाज इस्लामी हो, एक ऐसा समाज हो जिसमें खुलकर एक अल्लाह की इबादत करने वाले, तौहीद का अकीदा रखने वाले, रसूल की इताअत करने वाले, बगैर लौमत लाइम, बगैर किसी मलामत के डर के, बगैर किसी परेशानी के अल्लाह की इबादत कर सके, रसूल की इताअत कर सके। दीन और दुनिया के जितने भी काम हैं हर इंसान के, उसको शरई तरीके पे कर सके। यह मकसद था एक ऐसा समाज बनाना जिसमें कल्चर ही इस्लामी हो, जिसमें सोच ही इस्लामी हो। और यह चीज मक्के में मैसर नहीं थी। 100-150 की तादाद में मुसलमान मक्के में भी थे, मगर वहां इस्लामी समाज बन नहीं सकता था। वजह यह थी कि मक्के का बागोडोर मुशरिकीन के हाथ में था, उनकी बड़ी तादाद थी, मुसलमान कहते ना दाल में नमक के बराबर थे। और फिर एक खानदान के लोग मुसलमान नहीं थे, मुख्तलिफ खानदान के मुख्तलिफ अफराद मुसलमान थे। और समाज बनने के लिए जरूरी है कि कुछ खानदान पूरे के पूरे अफराद समेत इस्लाम में दाखिल हो, तो एक छोटा सा समाज तो बना ही सकता। लेकिन किसी का बाप मुशरिक, किसी का बेटा मुसलमान, आपस में ही अख्तलाफ घर में, तो वो समाज नहीं बना सकता। मदीने के अंदर बड़ी तादाद ऐसे लोगों की थी जो खानदान के साथ मुसलमान हुए थे। अवसो खजरज के जो लोग मुसलमान हुए थे, पूरा पूरा कबीला मुसलमान हो गया, लिहाजा वो इस पोजीशन में थे कि एक इस्लामी समाज बना सकते थे। चुनांचे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सारे मुसलमानों को इकट्ठा होने के लिए कहा, और इकट्ठा करने के बाद मस्जिद नबी बनाई, बल्कि लोग होते रहे, आपने मस्जिद नबी पहले तामीर की। और उसके बाद मुसलमानों के बीच सबसे बड़ी जो चीज होती है वो अखुवत को कायम करना, ताकि हम सब लोगों में आहंगी हो, हमारी सोच एक हो, हम सब अल्लाह से डरने वाले बने, हम सब रसूल की इताअत पर खुश रहें। एक ऐसा समाज अल्लाह के रसूल बनाना चाहते थे। और चूंकि अल्लाह के रसूल की बेइज्जत भी इसीलिए हुई थी, किसी भी नबी और रसूल की बेइज्जत का मकसद भी यही होता है कि वो हर फर्द को मुसलमान बनाए, पूरा मुसलमान कल्चरल मुसलमान बना दे। चुनांचे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी मस्जिद नबी में बैठकर तरबियत का काम शुरू किया, सहाबा की तरबियत। हमारी और आपकी तरबियत नहीं है, दावत आप तक पहुंची, आपने तौहीद को कबूल कर लिया माशाल्लाह, तौहीद आपका ठीक ठाक हो गया, आप शिर्क नहीं करते, आप नमाज भी पढ़ते हैं सुन्नत के मुताबिक। मगर मस्जिद से बाहर निकलने के बाद हमारा समाज वैसी जूल व जहन हो जाता है, दो चेहरे वाला, जैसा मिला वैसे ही, जो जैसा मिला बस उसी के पक्ष में बात होती। ये इस्लाम नहीं,
अंदर कुछ बाहर कुछ। हम हर एक के पीठ पीछे हर एक की बुराई करते। अल्लाह के रसूल की तरबियत का अंदाज देखिए। अल्लाह के रसूल की बेइज्जत हुई इसीलिए थी, हर नबी की बेइज्जत होती भी इसीलिए। वल्लज़ी बअसा फिल उम्मीन रसूलन मिन्हु, अल्लाह ने कुरान में फरमाया, वल्लज़ी वही जात है जिसने एक नबी को उम्मियों में भेजा जो उन्हीं में से थे। ये भी नहीं कि दूसरे खानदान दूसरे कबीले से नबी बनाए गए, बल्कि उसी खानदान के लोग बनाए गए, उसी कबीले के बनाए गए। यतलू अलैहिम आयातिही, जो नबी कुरान की आयतों की तिलावत कर कर के लोगों को सुनाते हैं, कुरान पढ़ के सुनाते हैं, वो अहले जुबान थे। जब उनके सामने में अल्लाह का कलाम पढ़ा जाता था तो वो समझते थे, पूरी तरह समझते थे। हमारी आपकी तरह नहीं कि बगैर पढ़े बगैर समझे हुए पढ़े जा रहे हैं पढ़े जा रहे हैं। दुनिया की मजलूम किताब कुरान है, जिसको आदमी समझता नहीं है पढ़ता है। कोई भी दुनिया की ऐसी किताब नहीं जिसको आप समझे बगैर पढ़ लें। छोटी मोटी किताब भी हाथ में लेंगे, अगर आपकी समझ में नहीं आ रहा वही उठा के फेंक देंगे आप। किताब का हक तो जब अदा होगा जब उसको समझना शुरू करें आप। उर्दू में तराजीम है, तफासीर है, उर्दू आपकी जुबान है, आप पढ़ना जानते हैं, मगर मौका नहीं है आपके पास। हर काम के लिए मौका, इसके लिए कोई मौका नहीं। तो अल्लाह के रसूल ने काम शुरू किया, तिलावत कुरान, लोगों को समझाना, कुरान नाजिल होता, सहाबा को सुनाते, सहाबा को याद करवाते, खुद भी याद रखते। यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम, और तज़किया फरमाते, गुनाहों से पाक करते, जो गुनाह उनके अंदर होता है, जो बुराइयां होती उनको दूर करते हटाते। और वो सहाबा भी इतने प्यासे होते थे कि अल्लाह के रसूल के हर हुक्म को आंख बंद करके मानते। ऐसे मुखलिस लोग भी मिले अल्लाह के रसूल को जो किसी नबी को ऐसे सहाबा में असर नहीं आए। वो युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मा, किताब और हिकमत सिखाते सहाबा को। और वही किताब और हिकमत आज आप तक पहुंचा है, जिनको हम सलफ़े सालेहीन कहते हैं, उन्हीं सहाबा ने आप तक पहुंचाया है दीन। वह इनका मिन क़ब्ल लफ़ी ज़लाल मुबीन, अगर से इससे पहले लोग खुली गुमराही में थे। अब अल्लाह के रसूल की तरबियत क्या होती थी, किस अंदाज की आप तरबियत करते थे कि दिलों के दिल बदल गए, शख्सियतें बदल गई, सोचने का अंदाज बदल गया। अल्लाह के रसूल ने सहाबों को फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता युहिब लिअखीह मा युहिब लिनफ्सिह। वो सारे सहाबा हमसे और आपसे हजार गुना आला किस्म के मुसलमान थे, अल्लाह के रसूल के जमाने में सहाबी थे ना, मगर इसके बावजूद अल्लाह के रसूल उनसे कह रहे हैं, ला युमिनु अहदुकुम, तुम में से कोई मोमिन कामिल हो ही नहीं सकता जब तक कि खुद के लिए जो कुछ वो पसंद करता है अपने भाई के लिए पसंद करना शुरू कर दे। अगर वो अपने लिए ये पसंद करता है और भाई के लिए कोई घटिया चीज़ पसंद करता है, आप इज्जत अजीज होना और अजीम बनना पसंद करते हो और भाई को जलील करना चाहते हो, आप मोमिन नहीं हो। और सहाबा तो कामिल मोमिन बनना चाहते थे। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ला युहिब अहदुकुम, तुम में से कोई मोमिन कामिल नहीं हो सकता, मोमिन नहीं बन सकता, हत्ता युहिब लिनफ्सिह मा युहिब लि, हत्ता युहिब लिअखीह मा युहिब लिनफ्सिह, जब तक कि अपने भाई के लिए वही पसंद न करे जो खुद के लिए पसंद करता है तो मोमिन नहीं। अल्लाह के रसूल फरमाते, अच्छा सहाबा इस पर अमल करते थे, सहाबा इस पर अमल करते थे, वो छोड़ते नहीं थे इन बातों को जो अल्लाह के रसूल के मुंह से निकले, वो पसंद वही करते थे जो उनके भाई को पसंद। एक मौके पर अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अल मुस्लिम मन सलम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, मुसलमान तो वो है जिसकी जुबान से दूसरा मुसलमान महफूज हो, जिसके हाथ से दूसरा मुसलमान महफूज हो। इस हदीस का नतीजा क्या होता था कि उनकी जुबान से दूसरे मुसलमान महफूज रहते थे, उनके हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज हो जाते थे, क्योंकि उनको मुसलमान होकर अल्लाह के पास जाना था, सुरखरू होना था, जन्नत पानी थी। हम यह हदीसें खूब सुनते हैं, हमारी जिंदगी पर कोई असर नहीं होता। हम सुन के जाते हैं बाहर गीबत करते हैं, हमारी जुबान से कौन मुसलमान महफूज है। हम सुन के जाते हैं बाहर मुसलमानों की ही बुराइयों में लगे रहते हैं, कौन महफूज है आपकी जुबान से। आप तरह तरह से नुकसान पहुंचाते हैं मुसलमानों को ही, अपने भाई को सगे भाई को पहुंचाते हैं, आप कैसे मुसलमान हैं, मुसलमान नहीं हो सकते।
یہ اللہ کے رسول کی تربیت تھی۔ اس کا نتیجہ کیا تھا کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے ایک حدیث آتی ہے، اللہ کے رسول کے بعد کے دنوں کی بات ہے، کسی صحابی نے یا کسی تابعی نے دیکھا کہ حضرت ابو سعید خدری وہی لباس پہنے ہوئے ہیں جو ان کا غلام پہنے ہوا ہے، یا ان کا غلام وہی لباس پہنے ہوا ہے جو خود صحابی پہنے ہوئے۔ بڑی حیرت ہوئی، یہ بات کے لوگ تھے کہ صاحب یہ آقا اور غلام دونوں ایک ہی لباس میں، یہ آقا تو زر خرید ہوا کرتا تھا اس زمانے میں، کپڑے دے نہ دے، بھوکا رکھے مار ڈالے، یہ سب روا تھا ایک آقا کے لیے، جب چاہے بیچ دے، جب چاہے جہاں رکھ، جب چاہے جو کام لے لے۔ لیکن جب آقا اور غلام دونوں کو ایک لباس میں دیکھا، ایک حلے میں دیکھا، تو تعجب ہوا، صحابی سے پوچھا کہ حضور یہ کیسے ہوا، یہ آپ کو جو دیکھ رہا ہوں ایک لباس میں؟ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اللہ کے رسول کے پاس بیٹھا ہوا تھا، تو میں نے اپنے اس غلام کو کسی بات پہ آر دلا دی۔ جیسے غصہ آتا ہے تو آدمی آر دلاتا ہے، اپنے یہاں سماج میں ہے ذات پات کی آر چلتی ہے، یہاں پہ وہاں بھی چلا کرتی تھی۔ انہوں نے کہہ دیا اس کی ماں کی طرف آر دلا کر کے، اب حبشی کے بچے، ماں حبشن تھی۔ اللہ کے رسول نے سن لیا، اللہ کے رسول نے فرمایا ابو سعید انت امرؤ فی الجاہلیہ، تم آج بھی ایسے انسان ہو کہ تم میں جاہلیت کا اثر پایا جاتا ہے۔ یہ تو دور جاہلیت کی بات ہے، اسلام سے پہلے کی بات ہے کہ کوئی آدمی، کوئی مسلمان کسی مسلمان کو ذات کی بنیاد پر یا خاندان کی بنیاد پر یا ماں باپ کی بنیاد پر آر دلاتے، یہ غیرت دلانے والی بات ہے، یہ جاہلیت کی بات ہے۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا یہ غلام تیرا بھائی ہے، تم جو کھاؤ اسے وہی کھلاؤ، جو تم پہنو اسے یہی پہناؤ، وہی پہناؤ جو تم پہنے ہو۔ حضرت ابو سعید نے فرمایا صحابی رسول نے کہ اس کے بعد سے آج تک میں اس کو ساتھ کھلاتا ہوں اور وہی کپڑا پہناتا ہوں جو میں خود پہنتا ہوں۔ یہ صحابہ کی ذات پر اللہ کے رسول کی دعوت و تبلیغ کا اثر ہوا کرتا تھا کہ اللہ کے رسول جو فرماتے تھے صحابہ عملاً اس میں ڈھل جایا کرتے تھے، عملاً ڈھل جایا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول نے ایک موقع فرمایا من ستر مسلماً سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، جس نے کسی مسلمان کے ایک عیب کو چھپا دیا، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں قیامت کے دن اس کے ہزاروں عیوب پہ پردہ ڈال دے گا، ہمارے اتنے سارے گناہ کو اللہ ڈھک دے گا کہ ہم احساس نہیں کر، دنیا میں بڑے 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 گناہ ہم سب لوگوں نے کر رکھے، اور ان گناہوں کو جب وہاں آؤٹ کیا جائے گا اس میدان محشر میں، کتنی ذلت و رسوائی ہوگی کہ یہ سفید پوش لوگ، انہوں نے اتنے بڑے بڑے جرائم کر رکھے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے کہ ہم اپنے بندوں میں سے ان بندوں کو جو دنیا میں کسی اپنے مسلمان بھائی کے عیب کو چھپا دے گا، اس کے بدلے کل قیامت میں ہزاروں عیب کو چھپا دے گا۔ جس نے کسی غریب مسلمان کو کپڑے پہنا دیے، اسے ہم جنت کا لباس پہنائیں گے۔ جس نے کسی پیاسے کو پانی پلا دیا، اسے جنت کا کوثر ہم پلائیں گے۔ یہ اللہ فرما رہا، مگر ہوتا کیا ہمارے سماج میں؟ ہمارا سماج مسلمان نہیں ہے۔ اب اس کا اثر کیا ہوتا تھا صحابہ کے اوپر؟ جنگ بدر کے موقع پر ایک چھوٹا سا واقعہ سن لیجئے، مثال دیکھیے کہ صحابہ کیسے بدل جایا کرتے تھے، اللہ کے رسول کی بولی کا اثر صحابہ کی شخصیت پر اور ذات پہ کیسے ہوا کرتی تھی۔ جنگ بدر کا موقع تھا، جنگ احد کا موقع تھا۔ جنگ احد کے موقع پر افراتفری ہو گئی، مسلمان پہلے حملے میں لگا جیت گئے، کفار بھاگے جا رہے تھے، مسلمان پیچھا کر رہے تھے۔ اللہ کے رسول نے کچھ مسلمانوں کو جہاں تہاں مورچے میں بٹھا رکھا تھا، وہ سارے واپس آ گئے، جبکہ اللہ کے رسول نے ان کو بٹھایا تھا اور کہا تھا کہ تم اس وقت تک واپس نہیں آؤ گے جب تک کہ میں تمہیں نہ بلا لوں، چاہے ہم سب کے سب شہید ہو جائیں، مارے جائیں، پھر بھی تم بغیر حکم کے نیچے مت آنا، اور چاہے ہم سب جیت جائیں تب بھی تم اپنے مورچے پر رہنا۔ مگر کچھ نئے نئے مسلمان تھے، جنہوں نے دیکھا کہ ابھی جیت گئے تو کیا فائدہ یہاں اس مورچے پہ کھڑے رہنے سے، سب آ گئے۔ نتیجہ کیا نکلا کہ مشرقین نے پیچھے سے حملہ کر دیا، اس میں ہو گئی افراتفری۔
सहाबी रसूल हजरत हुज़ैफा बिन यमान के वालिद उस भीड़ में फंसे मुसलमानों के बीच में, और मुसलमानों ने इतना मारा, कत्ल करने लगे उनको। हजरत हुज़ैफा बिन यमान जो उनके बेटे हैं वो चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे, छोड़ो ये मेरा बाप मुसलमान है, ये मेरे अब्बा है, लेकिन धोखे में लोगों ने कर दिया ऐसा, शहीद हो गए अपने ही हाथों, इफरा तफरी में होता है ऐसा, हजारों का मजमा हो इफरा तफरी में ऐसा होता है कभी कभी, अपने ही हाथ से अपने ही आदमी जख्मी हो जाए, शहीद हो जाए। जंग के बाद अल्लाह के रसूल जब मदीना आए तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला फरमाया कि हुज़ैफा बिन यमान को 100 ऊँटों की दियत मिलनी चाहिए, चूंकि इनके वालिद आमदन नहीं जानबूझ के मारे नहीं गए हैं, सहवन ऐसा हो गया है, धोखे में ऐसा हो गया, मुसलमानों के हाथ एक मुसलमान शहीद हो गया। आपने कहा कि 100 ऊंट की दियत तुम ले लो बैतुल माल से। अब देखिए हज़रत हुज़ैफा बिन यमान की शख्सियत पर अल्लाह के रसूल की तबलीग का असर, दावत का असर। हजरत हुज़ैफा बिन यमान ने कहा अल्लाह के रसूल मैं इसे मुसलमानों पे सदका करता हूं। 100 ऊंट बड़ी बात थी उस जमाने में, बड़ी दौलत थी, और गुर्बत तो आप जानते हैं किस कैसी थी मुसलमानों के पास में। 100 ऊंट उनको मिल जाते वो ले लेते तो अमीर बन जाते, खुशहाल हो जाते, भरपेट खाना भी मैसर आ जाता। लेकिन कहा कि नहीं, हम मुसलमानों पे सदका करते हैं, मुसलमान माफ करना जानते हैं, ये मुसलमानों की खसूसियत है कि वो अपने भाइयों को माफ करें, दरगुजर करें। हम माफ करने वाले नहीं हैं, हम बदला लेने वाले, हम नहले पे दहला लगाने वाले हैं, ईंट का जवाब पत्थर से देने वाले लोग हैं। इसलिए हमारे अंदर कभी एकजहती नहीं होती, हमारा समाज मुसलमान नहीं होता, हम मामूली लज्जतों के लिए, मामूली भोज भात के लिए खुद अपने हाथों खुद को ज़बह कर रहे हैं। बिला वजह की फजूल खर्चियाँ हम करते हैं, आप शादी में, ब्याह में, इसमें और उसमें। इस्लामी समाज तैयार करना था अल्लाह के रसूल को, लिहाजा अल्लाह के रसूल ने हर जगह से मुसलमानों को इकट्ठा किया और दावत का काम किया, और उसका नतीजा यह हुआ कि सहाबा के दिल बदल गए, शख्सियत बदल गई, वो इतने बड़े आला किरदार के हामिल हुए कि तारीख इंसानियत में अंबिया और रसूल के बाद सहाबा जैसी शख्सियत की मिसाल नहीं मिलती। आप चाहें तो दुनिया के बड़े से बड़े लोगों को पढ़ जाइए और मामूली सहाबा की जिंदगी को पढ़ जाइए, सहाबा की सीरतें मौजूद हैं, किसी भी सहाबा की जिंदगी को आप पढ़िए और बड़ी बड़ी शख्सियात को पढ़ लीजिए आप, तो आप पाएंगे कि सहाबा से बढ़कर अंबिया के बाद, सारे नबियों को एक तरफ कर दीजिए, नबी से मुकाबला सहाबा का नहीं किया जा सकता, लेकिन अंबिया और रसूल के बाद दुनिया की तारीख में कोई ऐसा इंसान नहीं हुआ जो सहाबा से अच्छा बन जाए किरदार में। यह अल्लाह के रसूल की तरबियत का नतीजा था। अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद रजी अल्लाह तआला अन्हु की वो प्यारी सी हदीस मुझे याद आती है, वो फरमाया करते थे लोगों से, अपने बाद वाले लोगों से, ताबाई से फरमाया करते थे, मन कान मिनकुम मुतमस्सकन, मन कान मिनकुम मुतसन्नन, अगर तुम किसी के तरीके पे चलना चाहते हो, फलियस्तन बेमन कदमत, तो तुम्हें चाहिए कि तुम उनके तरीके पे चलो जो अल्लाह के रसूल के पहले के सहाबा हैं और जो दुनिया से जा चुके हैं। फ़ैनल हय्य ला तुमिनु अलैहिल फितना, क्योंकि हम जो सहाबा भी जिंदा रह गए हैं हम फितने से महफूज नहीं है, पता नहीं हम कब कौन सा गुनाह कर डालें, लेकिन जो सहाबा गुजर गए हैं, जो अल्लाह के रसूल के मखसूस साथी रहे, उनकी सुन्नतों पर चलो, उनके तरीके पे चलो, उलाइका असहाबु मुहम्मद, वो लोग अल्लाह के रसूल के सहाबा थे, कानू अफजल हाज़िल उम्मा, इस उम्मत के अफजल तरीन लोग थे। वो जो सहाबा थे शुरू वाले, उनके बारे में खुद सहाबी रसूल अब्दुल्लाह इब्न मसूद कह रहे हैं, कानू अफजल हाज़िल उम्मा, इस उम्मत के अफजल तरीन लोग थे, अबर्रहा कुलूबन, उनके दिल बड़े नेक थे, किसी के लिए बुराई का जज्बा दिल में नहीं होता था।
करने अव्वल के जो सहाबी हैं उनके बारे में कह रहे हैं अबर्रुहा कुलूबन, उनके दिल नेक थे, वामकोहा इल्मन, उनका इल्म बड़ा गहरा था। जाहिर सी बात है अल्लाह के रसूल के पास उठते और बैठते थे तो कुरान और सुन्नत का जो इल्म उन्होंने सीखा अल्लाह के रसूल से वो किसी बाद वालों को कहां मैसर आएगा जिन्होंने अल्लाह के रसूल से नहीं सीखा। डायरेक्ट अबर्रुहा कुलूबन वामकोहा इल्मन वकल्लुहा तकल्लुफन, और बेतकल्लुफ जिंदगी बसर करते थे। चटाई तो चटाई, जमीन पे सो जाया करते थे, बेतकल्लुफ जिंदगी। बिस्तर भी नहीं चाहिए, चटाई भी नहीं चाहिए, रात के एक पहर सोते और बाकी रात अल्लाह की इबादत मशगूल रहा करते थे। कई सहाबी तो ऐसे हैं जिन्होंने घर ही नहीं बनाए। की जरूरत ही क्या है जब मुझे मरना है और जिस मिट्टी में ही जाना है तो इस मिट्टी पे सोने में क्या आ रहा है, और हमें सोना कितना है, इबादत तो अल्लाह की करनी है ना, आखिरत को बनाना है ना, ये उनकी सोच हुआ करती। अकल्लुहा तकल्लुफन, बेतकल्लुफ जिंदगी थी। इख्तारहुल्लाह लिसुहबत नबी, अल्लाह तबारक व तआला ने उन लोगों को चुन लिया था अपनी नबी की सोहबत के लिए। वो चुने हुए लोग थे समाज के जिनको अल्लाह ताला ने अपने रसूल की सोहबत के लिए चुना था। वले क़ामत दीन ही, और अपने दीन को कायम करने के लिए उन लोगों को चुना था। हम लोगों के बीच अल्लाह के रसूल आते ना तो हम लोग इतना साथ नहीं दे पाते और ऐसे कुर्बान ना हो पाते रसूल पर कि हम अपने आप को बदल लें। तो अब्दुल्लाह इब्ने मसूद फरमाते हैं इख्तारहुल्लाह लिसुहबत नबी ही वले क़ामत दीन ही, अपने दीन को कायम करने के लिए अल्लाह ने उन लोगों को चुन लिया। फिर हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद ने फरमाया फतमस्सकू बे अख़लाक़िहिम वसियारहिम बिमस्ततातु, जहां तक हो सके उनके अखलाक, उनकी सीरत, उनके किरदार को अपनाओ। सहाबा, उनके किरदार को अपनाओ। आज हम और आप दूसरों के किरदार को अपनाते हैं, ना सहाबा को कहीं पढ़ते। मैं कहूंगा लिल्ला आप लोग कम अज कम सहाबा की जिंदगी को पढ़िए, आपकी जिंदगी में चेंजिंग आ जाएगी, आपके ख्यालात सादा हो जाएंगे, आप बेहतरीन जिंदगी गुजारेंगे, एक सादा जिंदगी गुजारेंगे। ये तकल्लुफात की जिंदगी आप छोड़ देंगे और आपको मोहब्बत होगी तो रब से या रब के रसूल से, दीन से। हम लोग अभी ऐसा समाज तैयार करने के लिए कोशिश भी नहीं कर रहे हैं। यहाँ इतनी बड़ी आबादी मुसलमानों की है माशाल्लाह, हर शहर में, हर गांव में, हर जगह बड़ी बड़ी आबादी मुसलमान की है, लेकिन इस तरफ कोई तवज्जो नहीं देता। आदमी सिर्फ अकीदे में मुसलमान है, नमाज पढ़ लेता है, नमाज मस्जिद के बाहर निकलते ही उसका समाज पूरा के पूरा गैर मुसलिमाना हो जाता है, मुशरिकाना हो जाता है। तो अल्लाह के रसूल वसल्लम ने ऐसा समाज तैयार किया। आपकी शख्सियत में कुछ ऐसी कशिश भी थी, आप बिनफ्से नफीस वहाँ मौजूद थे, आप जिस बात का हुक्म देते सहाबा हाथों हाथ उस बात को लेते, उस पर अमल करते। आपकी आप जिस चीज़ से मोहब्बत करते सहाबा उसे महबूब जानते, आप जिस चीज़ से नफ़रत करते सहाबा उसे नफ़रत करते। बोग़्ज़, हसद, कीना, कपट, इन तमाम बुराइयों से अल्लाह के रसूल ने सहाबा के दिलों को साफ़ कर दिया और उन लोगों ने पूरा पूरा फ़ायदा उठाया। उन्हें झूठ से नफ़रत हो गई, उन्हें किस बयानी से नफ़रत हो गई, हर बुराई से सहाबा को नफ़रत हो गई, यहाँ तक कि वो फरिश्ता सिफत इंसान बन गया। तो हिजरत का एक बड़ा मकसद मुआशरा बनाना था और उसी मुआशरे पर अल्लाह के रसूल ने काम किया। लेकिन मुआशरा बनाने के लिए दो चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। एक ऐसा समाज तैयार करने के लिए उस जगह पर जहाँ पर दूसरे तबके के भी लोग हों, दूसरे अकीदे, दूसरे मज़हब के भी लोग हों, तो कुछ समझौते भी करने पड़ते हैं दूसरों से। समझौता अल्लाह के रसूल ने किया, यहूदियों से भी किया और मुशरिकीन से भी किया। इंशाअल्लाह उसका बयान भी आपके सामने में आगे आएगा और आप देखेंगे कि मदीना में कौन कौन से लोग रहा करते थे और अल्लाह के रसूल ने किन से क्या समझौता किया और किस तरीके से इस्लाम को परवान चढ़ाया, इस समाज को आगे बढ़ाया, यहाँ तक कि पूरा देश इस्लामी समाज बन गया। वहाँ बेतकल्लुफ़ जब अजान होती है तो बाप से पहले छोटा छोटा बच्चा मस्जिद के लिए भागता है, बच्चे, बच्चियां, औरतें, सारे के सारे दुकान खुली छोड़ के भागते हैं। जो लोग गए हैं हज करने या मक्का में गए होंगे उमरा करने के लिए, उन्होंने देखा होगा अपनी आंखों से मक्का और मदीना में अजान होती है, लोग करोड़ों की दुकानें,
सोने चांदी की दुकानें यूं खुली छोड़ के भागते नमाज के लिए, जैसे मिठाई बट रही हो अपने यहाँ तो मिठाई भी बटेगी, शायद बिरयानी की दावत भी होगी, तो लोग ऐसे नहीं भागेंगे जैसे वहाँ लोग नमाज के लिए भागते, और नमाज के बाद फिर वैसे लौट के अपनी अपनी जगह बैठ जाते हैं। मुझे हैरत हुई वहाँ के समाज को देख करके कि वो लोग कैसे हैं और हम लोग कैसे हैं। हम जवान बेटों को जगाते रहते हैं नमाज के लिए, मगर जागता ही नहीं, नमाज पढ़ता ही नहीं, हम अपने घर में इस्लाम को नाफिज नहीं कर रहे। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको तौफीक दे कि हम और आप न सिर्फ ये कि अच्छे मुसलमान बने, बल्कि अपने पूरे पूरे घर को बनाएं, अपने पूरे समाज को बनाएं, इस्लाम के लिए जिए, इस्लाम के लिए मरें। यही दरअसल आपकी ज़िंदगी है जो मौत के बाद भी काम आएगी।